ओके जी, ये आपके पास उसकी वैल्यूज अगर हम देखते हैं आरएमएससी की, ये आ गया एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर का, मतलब जो भी वो फॉर्मूला था एएससी, ये भी तुमने डमी सा लिख दिया, ये रूट मीन स्क्वायर एरर आ गया आपके पास, और सिमिलरली ए एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर एएमएससी, ये आ गया जी दिस वन। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं प्लॉटिंग की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको क्योंकि हमने तो पेपर में तो ग्राफ शो करने हैं ना, इमेजेस वगैरह। अब हम मैं इसको इस ट्रेनिंग को फॉर कॉस्टेड डेटा को भी मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो फिगर फिगर प्लॉट डेटा ट्रेन, ठीक है, को मैं ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों इकट्ठा शो करूंगा। अब देखिए वन कॉलन एंड माइनस वन, एंड माइनस वन क्यों लिखा है बेटा, जो ट्रेनिंग के अंदर सबसे आखिरी एलिमेंट था वो वैलिडेशन का पहला एलिमेंट है, वो तो मैंने इसलिए लिया था कि ट्रेनिंग के अंदर मैंने उसको वेरीफाई करना था कि उसने ठीक आंसर दिया या नहीं दिया। तो यहाँ पर जो ट्रेन डेटा है वो एंड माइनस वन तक चलना है, क्योंकि जो एंड वाला एलिमेंट है वो ओवरलैप कर रहा है ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, तो उसको मैं टेस्टिंग के अंदर अकोमोडेट करूँ। ठीक हो गया, तो ये एंड माइनस वन आ गया आपके पास। और अब देखें अगर मैं यहाँ तक जस्ट प्लॉट करता हूँ और आपको व्यू करवा देता हूँ एक बार, या जस्ट मैं इसी को लिखता हूँ, पूरे को चलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ प्लॉट, यहाँ पे कर देते हैं प्लॉट किया, ये देखिए उसने क्या किया, जस्ट 449 या 450 तक शो किया। अब इससे आगे मेरा जो प्रोडिक्टेड है मैं उसको लेके आना चाह रहा हूँ, जो प्रोडिक्टेड है वो आ जाए। अच्छा डन, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के आगे इम्बेड करना, मैंने नया ग्राफ नहीं बना रहा, इसी के आगे जब भी बेटा आप उसी के अंदर उसको एम्बेड करना चाह रहे हो उससे आगे, तो उसके लिए आप करते हैं होल्ड ऑन, कि यहाँ पे इसको होल्ड कर लो, होल्ड ऑन, ठीक है ओके। अब आपने बताना है जी इससे आगे स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या है, दैट इज जो मैंने अभी ट्रेनिंग के लिए नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प लिया था वो था एन एन ऊपर था एन एस टी एस था, जो जो मैंने लेंथ ली हुई थी ये वाला ना, ये NTST एन टी एस टी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एन टी एस टी, के यहां से वो शुरू करेगा, मतलब 449 से लेट्स गो जो भी है वहां से वो शुरू कर रहा है, इसको एन टी एस टी से शुरू कर रहा है, और एंड पॉइंट कहाँ तक डिस्प्ले करना है, तो वो एन टी एस टी प्लस, मतलब 449 प्लस जो वैलिडेशन की मेरे पास लेंथ आई है वो ये वाली, तो ये 50 थी अगर, तो 449 प्लस 50 इज 499, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये इसको प्लस करके इसमें ये एंड पॉइंट आ जाएगा आपके पास, कि यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसको लेके चलेगा। अब मैंने एक्स एक्सिस पे ये शो भी करने हैं, ये देखिए मैंने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर उसकी वैल्यू भी तो शो करनी है ना, 451, 452, 453 अप टू 498 या 500 तक, और साथ उसकी वैल्यूज भी। अब एक्स एक्सिस पे जो एम्बेड करना है आपने, उसके लिए मैं अब एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लूप वेरिएबल एक्चुअली, अब ये देखिए मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू 1:5, ये क्या करेगा, इसमें 1 से लेके 5 तक वैल्यू सेव कर देगा, ये देखिए एक लूप के लिए ये मेथड होता है। अगर मैं लिखता हूँ आई डी इक्वल टू 10:617, ये करेगा 10 से लेके 17 तक वैल्यू सेव कर देगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आई डी एक्स, एक्स एक्सिस को शो करेगा, और इसमें जो वैल्यूज होगी वो कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होंगी और कब तक चलेंगी, एंड पॉइंट तक चलेंगी हमारे पास, ये लूप होता है ना, कॉलन वाइड कॉल वन का इंक्रीमेंट करता है, अगर ज्यादा देना तो उससे स्पेसिफिक करना पड़ता है कॉलम के बाद। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉट, अब देखो एक्स एक्सिस क्या है, आई डी एक्स, ये उसके साथ एम्बेड हुआ। दूसरा डेटा इसको बताना होता है, डेटा कहाँ से शुरू करना है, डेटा शुरू करना है जी स्टार्ट पॉइंट से, डेटा कहाँ से शुरू होगा जी, एस टी ए आर टी स्टार्ट पी एन टी, स्टार्ट पॉइंट से शुरू होगा ओके। कौन सा वाई प्रिडिक्ट वाला, जो उसने प्रिडिक्ट किया है, मतलब एक्स डेटा स्टार्टिंग पॉइंट तक वही रहेगा, उससे आगे क्या आ जाएगा आपके पास, जो मतलब ये वाई प्रिडिक्ट आ गया। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ताकि उधर पिछला ब्लू था तो मैं ये चाह रहा हूँ जी ये रेड कलर में आ जाए, उसके लिए फिर डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं, तो रेड के लिए ये सिंबल है, ये मैंने उसको रेड कलर में कर दिया ओके। अब मैंने जो होल्ड ऑन किया था उसको होल्ड ऑफ कर दूंगा, कि अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है, होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ किया, होल्ड ऑफ के बाद इसकी हम लेबलिंग कर देते हैं थोड़ी सी, लेट्स गो एक्स लेबल, एक्स लेबल आ गया जी, मंथ्स आ गया, और वाई लेबल हमारे पास आ गया, वाई लेबल लेट्स गो जी केसेस आ गए हमारे पास, जो उसके केसेस थे,
टाइटल हम कर देते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं, या जो भी आपने वो करना है वो आप कर सकते हैं, फोरकास्ट या वो चिकन पॉक्स कर लें, जो भी वो करना है ना, लेट्स सपोज फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं एक चीज और भी इम्पेड करूंगा, पहले मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ओए होए अभी ये और बॉक्स पे हमें चलाना चाहिए था सोलर। अब ये देखें जी, ये उसने क्या किया है, ये देखें, ये उसने प्रेडिक्ट कर दिया, यहां तक ट्रेनिंग है और ये क्या है उसकी आगे प्रेडिक्शन हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा अभी यहां पर हमें कोई पता नहीं चल रहा ब्लू कलर किसको शो कर रहा है, रेड किसको शो कर रहा है। तो अगर आप इसकी प्रॉपर लेबलिंग करना चाहते हैं उसके लिए फिर आप यहाँ पर लेजेंड लगा देते हैं, LEG लेजेंड। अब आप दो है ना हमारे पास, तो पहले को क्या नाम देना है? मैं कहता हूँ पहले को, पहला हमारा ऑब्जर्व था ना, एक्चुअल वाला जो था ऑब्जर्व, ABSER ऑब्जर्व, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है, वो फॉरकास्ट जो आपने की है वो चीज है। अब देखिएगा, अब वो प्रॉपर लेबल के साथ इसको डिस्प्ले करेगा जिसकी रीडेबिलिटी हमारे पास ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा इसके बाद मैं एक और भी फिगर प्लॉट करूंगा जिसमें आपको ज्यादा वो बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं मल्टीपल फीचर जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाली एग्जाम्पल है फिर हम उसको इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। बस ये ग्राफ कर लें, उसके बाद फिर हम करते हैं। ओके अब ये देखें, तो ये प्रॉपर लेबल आ रहा है, ऑब्जर्व ब्लू क्या है, ऑब्जर्व है, और ये आपने क्या किया उसकी हेल्प से फॉरकास्ट किया है कि नेक्स्ट में ये ट्रेंड्स हो सकते हैं। अच्छा अगर आप इसमें आप एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का एरर देखना चाहते हैं, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का, उनको भी प्लॉट किया जा सकता है। वो मैं उसको कर देता हूँ फिगर, फिगर प्लॉट। अच्छा अब उसमें देखें तो हमारे पास दो डेटे हैं, एक है वाई प्रेडिक्ट और एक है वाई टेस्ट, इनमें कितना एरर है ना। तो पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं क्योंकि हमें लूप लगाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को लेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी आई टी इज इक्वल टू 1:LENGTH, लेंथ लेंथ ऑफ एनी वन, एनी वन वाई वाई PREDICT, वाई प्रिडिक्ट। ओके डन। ये क्या करेगा, ये उसमें टी में वैल्यूज दे आएगा उसके लेंथ जितने उसमें थे। ये देखिएगा आई टी में वैल्यूज आ जाएंगी, आई टी में 1 से लेकर 49 तक वैल्यूज, एक एक इंक्रीमेंट के साथ ना, एक लूप वेरिएबल लग गया हमारे पास। ओके अब आपने प्लॉट करना है। अब जब मल्टीपल ग्राफ्स को आप एक के अंदर शो करना होता है ना, उसके लिए पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, फिर एक्स की, फिर वाई की, यू हम लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर पहले आ गया आई टी कॉमा, अब पहले मैं करता हूँ जी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू थी वाई टेस्ट, वाई टेस्ट कॉमा आई टी, फिर एक्स एक्सिस, फिर वाई, अब प्रेडिक्टेड वैल्यू वाई PREDICT, वाई प्रेडिक्ट, ये आ गया। और एक्स एक्सिस लेबलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन एक्स एक्सिस पे वही है मेंस और ये लर्स फोजी, मैं इनको ले लेता हूँ, ये है। और इधर मैं लेजेंड नहीं लगा रहा, लेजेंड पर दूसरी तरह से आपको एक और तरीके से लगाना सिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखें जी, ये अब आपको वो एरर भी शो कर रहा है। अब दूसरा वे है लेजेंड्स का, यहाँ पे आके फाइल एक्सिस प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके शो लेजेंड्स, यहाँ पर आप लेबल कर। अब देखें, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने जब प्लॉट किया था, प्लॉट करते हुए आपने पहले किसको लिखा है, पहले आपने लिखा टेस्ट को, फिर प्रोडिक्ट को किया ना, पहले टेस्ट है फिर प्रोडिक्ट है। तो पहला आ गया ओरिजिनल, ओरिजिनल या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं ना, वो आपकी मर्जी है। और सेकंड क्या आ गया, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड। तो ये आपको ये शो कर रहा है जी, देखें जी एक्चुअल ये केसेस थे, ठीक है, और मेरे ने ये प्रिडिक्ट किया है। तो उधर तो जस्ट प्रिडिक्टेड आ रहा था ना, फॉरकास्ट एक्चुअल ऑब्जर्व एंड प्रिडिक्टेड। यहां पर क्या है, ये एक्चुअली हमने जो टेस्टिंग की है ये उसका बता रहा है, इनमें जितना डिफरेंस कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखें, इस जगह पे प्रेडिक्शन कुछ बेहतर हुई है ना आके, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पर,
यहाँ पर भी सो सो ऑन, मतलब वो ये चीज है। तो ये हमने उसको टेस्ट किया कि हमारा मॉडल कितना अच्छा अपडेट कर रहा है, और इसकी बेस पे फिर आप अननोन डेटा जितने भी ये प्रिडिक्शन करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, या मल्टीपल फीचर्स को अगर आपने प्रिडिक्ट किया उसको एक ग्राफ के अंदर लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप उसको बता देंगे कि जो सभी फीचर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी एक आप ग्राफ इस तरह के भी ऐड करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी। अब आप जो फॉर कॉस्ट है वो अननोन डाटा पे एक भी कर क्वेश्चन सकते हैं। पूछना जी 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 सर, एक जी सवाल पूछना जी जी सर पूछें। है सर। ये बताइए कि ये जो आपने लिखा है ना, अगर टेक्स्ट बेस्ड हमारा डेटा सेट हो तो उसके लिए वो सीपीयू वाला ही काफी है जो आपने यूज किया है एग्जीक्यूशन मॉडल, एनवायरनमेंट ठीक है। और जीपीयू जो है, जीपीयू अगर हमारा डेटा सेट इमेज बेस्ड हो तो उसमें जीपीयू जरूरी है या उसमें भी वो सर नॉर्मल यूज? सर एक्चुअली डिपेंड करता है कि डेटा कितना बड़ा। देखें जस्ट इमेजेस और फीचर बेस भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक अगर देखें, अगर इमेजेस हैं कोई 30-40 हैं, मे बी सीपीयू चला दे ठीक है, लेकिन अगर जी इमेजेस हैं 200, 300, 1000, 2000, तो वहां पे आपको जीपीयू रिक्वायर्ड होगा, नंबर वन। नंबर टू, मे बी सीपीयू वही काम आपको करके दे रहा हो कोई घंटे में, जीपीयू आगे स्पेक्स पे डिपेंड करता है ना सर, वही काम आपको करते 10 मिनट में, 3 मिनट में। या अगर आपके पास फीचर्स हैं कोई लाखों में है, सीपीयू उस पर टाइम ले रहा है कोई आधा घंटा, जीपीयू में भी उसको 5 मिनट में करके या 2 मिनट में करके दे दे, वो डिफरेंट चीजें उसमें आ जाती है ना। समटाइम ये होता है वो मेमोरी का भी एरर दे देता है। आपने नोट किया होगा कि इवन अगर आपका जीपीयू भी है लेकिन उसके स्पेक्स कुछ कम है, और अगर आप डेटा सेट ज्यादा ले लेते हैं इमेजेस बेस, वो आपको वहां पे लो मेमोरी का एरर देकर उसको स्टॉप कर देता है। तो ये कुछ चीजें आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। चंक्स के लिए ये होता है कि बेस्ट होता है कि आपने जब उसको टेस्ट करना है ना, कि आपका जो आपने एल्गो लिखा है या जो आपने आर्किटेक्चर बनाया वो ठीक बनाया या गलत बनाया, उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो उसमें आप चंक लेके सीपीयू पे ट्राई कर लें। जब वो चल पड़ा है सीपीयू पे, लेट्स पुट 10 ईपॉक्स पे चल पड़ा है, मीन के वो कोड ठीक है, अब आप उसको जीपीयू पे जाके कॉपी पेस्ट करके उसको आप एग्जीक्यूट कर लें। यानी हमारा जो हार्डवेयर है उसमें भी जीपीयू होना चाहिए और फिर हमने सॉफ्टवेयर के तौर पे भी सिलेक्ट करना है नहीं, बाय यही जीपीयू। डिफॉल्ट इसमें ये होता है सर, अगर तो आप कुछ सिलेक्ट नहीं ना करते, तो बाय डिफॉल्ट होता है ऑटो। ऑटो में क्या होता है कि वो खुद ब खुद देख लेता है कि अगर आपके हार्डवेयर में सीपीयू है, जीपीयू है, तो वो जीपीयू को प्रेफर करता है। अगर जीपीयू नहीं है तो उसको क्या कर रहा होता है, सीपीयू लेके जा रहा होता है। लेकिन अगर आपने सर यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे स्पेसिफिक करना होता है, ट्रेन यहाँ पे था प्रिडिक्ट वाला, यहाँ पे आके ये अगर यहाँ पे आके मैं उसका इन्वायरमेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट एग्जीक्यूशन प्रॉपर कॉमा सीपीयू लिख देता हूँ ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अगर सीपीयू लिख देता हूँ सिंगल कोड में, सॉरी वो पिछला वाला भी सिंगल कोड में आएगा, तो अब इसमें अगर जीपीयू है भी ना, तब भी वो क्या करेगा, सीपीयू ही यूज करेगा, क्योंकि तो मैंने उसको फोर्स कर दिया है कि आपने सीपीयू यूज करना। और अगर मैंने यहाँ पे जी जीपीयू लिख दिया है, तो उसमें अगर आपके सिस्टम पे जीपीयू नहीं है तो वो एरर देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑटो लिखा है, तो ऑटो मतलब कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि अगर जीपीयू उस टाइम बिजी है तो सीपीयू पे ले जाएगा, जीपीयू अवेलेबल नहीं है सीपीयू पे ले जाएगा, जीपीयू अवेलेबल है जीपीयू को यूटिलाइज कर देगा। यहाँ पे एनवायरमेंट एग्जीक्यूशन पूरा लिखता है, जी राइट हो गया सर, तो शुक्रिया। ये एक लाइन से चेंज हो जाता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो उसको लेके जाता होता है। ठीक हो गया सर। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? ठीक है सर, मेरे ख्याल से हम 10-15 10 या 15 मिनट की ब्रेक कर लें, उसके बाद फिर बिजनेस इंटेलिजेंस वाली है ना उसको लेके चलते हैं। जी ठीक है सर। ठीक हो गया सर। तो इंशाल्लाह 4 और 4, 4 और 12, 1 2 3, आपके तो 12, 12:15 हुए होंगे, जी सर, पौने 12 12 बजे इंशाल्लाह जी हम स्टार्ट करते हैं सेशन, जो मल्टी फीचर्स को कैसे लेके चलना है, और उस पे रिजल्ट्स बड़े अट्रैक्टिव आते हैं डाटा की विजुअलाइजेशन मल्टी फीचर्स के ऊपर ना, और उन चीजों को मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ। ठीक हो गया जी। चलें इंशाल्लाह 15 मिनट्स के बाद जी फिर दोबारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, माइंड अप करते हैं क्विकली। ओके, जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है बिजनेस की एप्लीकेशन है, जिसमें कुछ शेयर्स की इंफॉर्मेशन है लाइक दिस वन समहाउ, और इस डाटा को मैं खैर रीड करूंगा अभी, तो
अच्छा ये मेरे